नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा द्वितीय, विषय अंग्रेजी। हम पढ़ रहे थे दिस और डेट के वाक्य। सबसे पहले हमने दिस के वाक्यों के अभ्यास का रिविजन किया। दिस इज ए मैट, दिस इज ए बस, दिस इज ए पेंसिल, दिस इज ए काइट, दिस इज ए रेट, दिस इज ए हैन। उसके पश्चात हमने डेट के वाक्यों का अभ्यास किया। डेट इज ए डॉग, डेट इज ए बॉल, डेट इज ए पैरोट, डेट इज ए कैमल, डेट इज ए स्टूल, डेट इज ए ट्री। दिस तथा डेट के वाक्यों का अभ्यास के रिवीजन के बाद हमने इज को पहले लेते हुए प्रश्नवाचक वाक्यों का अभ्यास किया, जैसे इज दिस ए कैमल, यस इट इज। इज दिस ए हॉर्स, यस इट इज। इज दिस ए बस, यस इट इज। इज दिस ए टेबल, यस इट इज। इज दिस ए बुक, यस इट इज। इज दिस ए बैग, यस इट इज। आज हम नॉट के वाक्यों का तथा व्हाट से बनने वाले प्रश्नों के वाक्यों का अभ्यास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न पहला दिया हुआ है इज दिस अ टेबल। तो जैसा आप पहले पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं इज दिस अ टेबल, यानी क्या यह एक टेबल है। तो आप देख रहे हो सामने, आप चित्र देख लीजिए, आपको क्या टेबल का चित्र दिखाई दे रहा है? तो ऐसा नहीं है, ये एक बिस्तर का चित्र है, टेबल का नहीं है। तो इसलिए आपको यस में उत्तर नहीं देना है, नो में उत्तर देना है। एन ओ नो यानी नहीं, एन ओ टी नोट यानी नहीं। तो इसका पूरा उत्तर इस तरह से बन जाएगा, नो इट इज नॉट, यानी नहीं यह नहीं है। यानी देख रहे हो यहाँ सामने चित्र टेबल का नहीं है, तो नहीं यह टेबल नहीं है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने इज दिस अ पैरोट, यानी क्या यह एक तोता है। आप चित्र देखो, चित्र के अंदर क्या ये तोता है? तो ऐसा नहीं है, ये एक मुर्गी का चित्र है। तो इस तरह से इसका उत्तर भी नो में होगा, नो इट इज नॉट, यानी नहीं यह नहीं है। अगला प्रश्न है इज दिस अ पेंसिल, यानी क्या यह एक पेंसिल है। आप चित्र देख लीजिए, क्या चित्र में आपको पेंसिल दिखाई दे रही है? तो नहीं, ये पेंसिल नहीं है, ये पेन का चित्र है। तो आपको उत्तर देना है नो इट इज नॉट, यानी नहीं यह नहीं है। अगला प्रश्न है इज दिस अ प्लेट, यानी क्या यह एक थाली है। तो आप चित्र देखो, क्या चित्र में थाली है? नहीं है, चित्र कप का चित्र है। तो आपको नो में उत्तर देना है नो इट इज नॉट, यानी नहीं यह नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने इज दिस अ विंडो, यानी क्या यह एक खिड़की है। तो आप देख रहे हो चित्र के सामने कोई खिड़की है? नहीं है, ये आपके सामने कुएं का चित्र है। तो यहाँ पे आपको नो में उत्तर देना है नो इट इज नॉट, एंड नहीं यह नहीं है। और लास्ट प्रश्न है इज दिस अ स्पून, यानी क्या यह एक चम्मच है। आप चित्र देखिए, क्या आपको चम्मच का चित्र दिखाई दे रहा है? नहीं, यह एक घंटी का चित्र है। तो आपको उत्तर नो में देना है नो इट इज नॉट, यानी नहीं यह नहीं है। तो इस तरह से आप WHAT वॉट यानी क्या, वॉट यानी क्या, IS इज यानी है, THIS दिस यानी यह, यानी पूरा आपके वाक्य बनेगा वॉट इज दिस, यानी यह क्या है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप किसका चित्र देख रहे हैं? पत्ती का चित्र देख रहे हैं। पत्ती को अंग्रेजी में लीव कहते हैं, LEAF लीव यानी पत्ती। तो यहाँ पे इसका उत्तर देने के लिए सबसे पहले आप जो करेंगे IT यानी यह, उसके बाद में IS इज यानी है, उसके बाद में A का अर्थ होता है एक, और LEAF लीव यानी पत्ती, यानी एक पत्ती। तो इस तरह से ये इसका उत्तर बन जाएगा इट इज अ लीव, यानी यह एक पत्ती है। तो इस तरह से ये प्रश्न बना कि व्हाट इज दिस, यानी यह क्या है, और इसका उत्तर हो जाएगा इट इज अ लीफ, एंड यह एक पत्ती है। अगला प्रश्न है व्हाट इज दिस, यानी यह क्या है। आप सामने देख रहे हो किसका चित्र, एक फूल का चित्र है। तो आपको इसका उत्तर देना है इट इज अ फ्लावर, इट इज अ फ्लावर, यानी यह एक फूल है। अगला प्रश्न आपके सामने व्हाट इज दिस, यानी यह क्या है। आप देख रहे हो किसका चित्र है, एक झोंपड़ी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। झोंपड़ी को अंग्रेजी में HUT हट कहते हैं, हट एंड झोंपड़ी। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है इट इज अ हट, यानी यह एक झोंपड़ी है। अगला आपके सामने प्रश्न है व्हाट इज दिस, यानी यह क्या है। आप देख रहे हो किसका चित्र है,
कप का चित्र है, कप की वर्तनी CUP, कप यानी कप। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है, इट इज अ कप, यानी यह एक कप है। उसके बाद में प्रश्न है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज दिस, यानी यह क्या है। आप देख रहे हो किसका चित्र है, एक पेड़ का चित्र है। तो आपको यहाँ पे पेड़ को अंग्रेजी में TRW ट्री यानी पेड़ कहते हैं। तो आपको उत्तर देना है, इट इज अ ट्री, यानी यह एक पेड़ है। और अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज दिस, यानी यह क्या है। आप देख रहे हो किसका चित्र देख रहे हो, एक चारपाई का चित्र देख रहे हो। चारपाई को अंग्रेजी में COT कोट कहते हैं। तो आपको उत्तर देना है, इट इज अ कोट, यानी यह एक चारपाई। देखिए पहला प्रश्न है, WHAT व्हाट यानी क्या, IS इज यानी है, और THAT दैट यानी वह। दैट दूर के लिए होता है, यानी व्हाट इज दैट, वह क्या है। आपको सामने चित्र देखना है, आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है, आपको एक बाघ का चित्र दिखाई दे रहा है। तो आपको इसका उत्तर देना है। उत्तर देने के लिए सबसे पहला वाक्य आप इट का प्रयोग करेंगे, इट यानी यह। उसके बाद में इज का प्रयोग करेंगे, इज यानी है, अ यानी एक, और टाइगर यानी बाघ। यानी आप चित्र बाघ का देख रहे हो तो आपको बाघ लिखना है। तो इस तरह से इट इज अ टाइगर, यानी वह एक बाघ है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज दैट, यानी वह क्या है। आप किसका चित्र देख रहे हो, आपके सामने गाय का चित्र है। तो आपको लिखना है, इट इज अ काउ, यानी वह एक गाय है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज दैट, यानी वह क्या है। आप सामने किसका चित्र देख रहे हो, बकरी का चित्र देख रहे हो। बकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गोट। तो हम लिखेंगे, इट इज अ गोट, यानी वह एक बकरी है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज दैट, यानी वह क्या है। आप सामने किसका चित्र देख रहे हो, एक मुर्गी का चित्र देख रहे हो। मुर्गी को अंग्रेजी में हैन कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है, इट इज अ हैन, यानी वह एक मुर्गी है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज दैट, यानी वह क्या है। आप सामने देख रहे हो किसका चित्र है, घोड़े का चित्र है। घोड़े को अंग्रेजी में हॉर्स कहते हैं। तो आपको लिखना है, इट इज अ हॉर्स, यानी वह एक घोड़ा है। अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज दैट, यानी वह क्या है। आप किसका चित्र देख रहे हो, सामने मोर का चित्र देख रहे हो। मोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पिकॉक। तो आपको लिखना है, इट इज अ पिकॉक, यानी वह एक मोर है। इस प्रकार हमने आज इज को पहले लेते हुए ऐसे प्रश्नों का अभ्यास किया जिसका उत्तर नॉट से होता है, तथा व्हाट से बनने वाले प्रश्नों के वाक्यों का अभ्यास किया। इन प्रश्नों के आधार पर आपके सामने जो ये अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।